नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता, को फाउंडर डायडॉक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हर्बल रेमेडीज़ के बारे में जिनका इस्तेमाल करने से आप हार्ट अटैक और हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला है ग्रीन टी। दोस्तों, ग्रीन टी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि उन फ्री रेडिकल्स को वॉश आउट करता है शरीर से जो हार्ट डिजीजेस कॉज करती है। दोस्तों, शरीर में फ्री रेडिकल्स दो तरीके से बनते हैं। एक तो शरीर के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे डाइजेशन ऑफ फूड के द्वारा, और दूसरी तरीके से जब शरीर एनवायरमेंट पोल्यूशंस वगैरह से एक्सपोज होता है। ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स इन दोनों तरह के फ्री रेडिकल से ही बॉडी को बचाते हैं, उन्हें बॉडी से वॉश आउट करने में मदद करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि ग्रीन टी की हार्ट प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटीज का पूरा फायदा लेने के लिए आपको रोज 5 से 6 कप ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है हल्दी या टर्मरिक। दोस्तों, टर्मरिक या हल्दी में एक कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं करक्यूमिन। इस करक्यूमिन कंपाउंड की हार्ट मसल्स को प्रोटेक्ट करने की पावरफुल प्रॉपर्टीज होती हैं। हल्दी में पीला कलर इस करक्यूमिन कंपाउंड की वजह से ही होता है। इस करक्यूमिन की ना केवल हार्ट प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटीज होती है बल्कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, एंटी कैंसर इफेक्ट भी इसका होता है, और ये एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है। इसके अलावा करक्यूमिन की एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसका मतलब ये ब्लड को पतला करके रखता है और किसी भी ब्लड क्लॉट को हार्ट की ब्लड वेसल्स में जमने से रोकता है। रिसेंट स्टडीज में देखा गया है करक्यूमिन मेमोरी लॉस को भी रोकता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। दोस्तों, रिसर्चेज में देखा गया है कि हल्दी के रेगुलर कंजप्शन करने से करक्यूमिन बॉडी में उन प्रोसेसेस को रोक देता है जो कि हार्ट मसल्स को वीक करते हैं। उसके अलावा यह प्रोडक्ट हार्ट मसल्स में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है नॉर्मल रेंज में, ताकि हार्ट की रिदम नॉर्मल रहे और इरेगुलर ना हो। इसके अलावा करक्यूमिन का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होने से हार्ट मसल्स की प्रीमैच्योर एजिंग को ये बचाता है। ये बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। डायबिटीज पेशेंट में ये करक्यूमिन ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रखने में मदद करता है। टर्मरिक का सेवन आप अपनी रोज की बनने वाली सब्जियों में भी यूज कर सकते हैं या फिर 1 चम्मच हल्दी को रोज दूध में घोलकर भी पी सकते हैं। दोस्तों, अगला है गार्लिक या लहसुन। गार्लिक कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फास्फोरस, जिंक, विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी रिच होता है। गार्लिक में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो गार्लिक को हार्ट प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। गार्लिक कई तरीके से हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करता है, जिसमें पहला है गार्लिक उन एंजाइम्स को लिवर में ब्लॉक कर देता है जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं। अगला है प्लेटलेट नाम की ब्लड सेल्स आपस में चिपक कर ब्लड क्लॉट्स बना देती हैं और हार्ट की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। गार्लिक इन प्लेटलेट्स की स्टिकीनेस को कम कर देता है और बनने वाले ब्लड क्लॉट्स की टेंडेंसी को बॉडी में कम करता है। गार्लिक ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। गार्लिक बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है और ये फ्री रेडिकल्स हार्ट और ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। गार्लिक इन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से वॉश आउट करने में हेल्प करता है। दोस्तों, रिकमेंडेशंस ये हैं कि गार्लिक के हार्ट प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स लेने के लिए आपको रोज करीबन 4 क्लोव गार्लिक की खानी चाहिए और स्पेशली रॉ या कच्चा गार्लिक ही खाना चाहिए। और अगर आप कुक करना चाहते हैं तो गार्लिक के क्लोव्स को क्रश करके थोड़ी देर छोड़ दें, क्योंकि यह एलिसिन नाम के कंपाउंड को गार्लिक में कंसंट्रेट होने में मदद करती हैं, और उसके बाद उन क्लोव्स को कुक करें। दोस्तों, गार्लिक के सेवन पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि यदि आपको कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या आप कोई ब्लड को थिन करने की मेडिकेशन ले रहे हैं तो गार्लिक का सेवन केवल डॉक्टर की सलाह पे करें, क्योंकि इस मेडिकेशंस के बाद गार्लिक आपकी बॉडी में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा सकता है। दोस्तों, अगला है जिंजर या अदरक का सेवन। रिसर्चेज में देखा गया है कि 2 से 4 ग्राम डेली
अदरक का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस 8% तक कम हो जाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस 13% तक कम हो जाते हैं। अदरक का रेगुलर सेवन करने से आपके बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल शरीर में कम हो जाता है, आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहते हैं और ऐसा देखा गया है कि रेगुलर सेवन करने से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आपके 12% तक कम हो जाते हैं। दोस्तों अगला है कैप्सिकम, जिसे शिमला मिर्च भी कहते हैं। दोस्तों कैप्सिकम में एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं कैप्सिसिन, जो कि शिमला मिर्च को स्पाइसी फ्लेवर भी देता है और ये हार्ट प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटीज भी शिमला मिर्च को देता है। कैप्सिसिन बॉडी में ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, हार्ट मसल्स के स्ट्रेन को कम करता है, हार्ट मसल्स को थिक होने से रोकता है। कैप्सिसिन बॉडी वेट को भी कम करता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को भी स्लो कर देता है। उसके अलावा कैप्सिसिन का ब्लड थिनिंग इफेक्ट भी होता है, जिस कारण ये हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स को इकट्ठा होने से रोकता है। दोस्तों अगला है कार्डेमम या इलायची। दोस्तों कार्डेमम आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करती है, एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। उसके अलावा ये इलायची का फिब्रोनोलिसिस इफेक्ट भी होता है। फिब्रोनोलिसिस इफेक्ट में अगर आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट जम गया है तो ये फिब्रोनोलिसिस इफेक्ट उस ब्लड क्लॉट को गला देता है, वहाँ से हटा देता है। दोस्तों अगला है सिनामन या दालचीनी। सिनामन का बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है। सिनामन हाई ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं और बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। उसके अलावा सिनामन बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। सिनामन का यूज़ आप अपनी करीज में कर सकते हैं और या फिर हर्बल टीज में डालकर पी सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।